إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى في سورة الممتحنة فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين وقال تعالى لكم دينكم ولي دين وقال أيضا لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي حاضرین جمعہ خواتین ملت خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ کے سامنے سورۃ الممتحنہ سورہ نمبر 60 اور آیت نمبر 8 پڑھی ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا لا ينهاكم الله اللہ تعالیٰ تم کو نہیں روکتا ہے عن الذین ان غیر مسلموں کے بارے میں ان غیر مسلموں سے اللہ تعالیٰ تمہیں حسن سلوک کرنے عدل انصاف کرنے سے نہیں روکتا ہے کون سے غیر مسلم لم يقاتلوكم في الدين جو دین کے معاملے میں آپ سے قتال نہیں کرتے ہیں جنگ و جدال نہیں کر رہے ہیں ولم يخرجوكم من دياركم اور نہ ہی تمہیں اپنے گھروں سے نکالتے ہیں ایسے غیر مسلموں سے حسن سلوک ہونا چاہیے عدل و انصاف سے کام لینا چاہیے ان اللہ یحب المقسطین اللہ تعالی انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے حاضرین گرامی میں آج آپ کے سامنے ایسا موضوع لے کے کھڑا ہوا ہوں شاید آپ کے لیے ایک نیا موضوع ہو اور وہ ہے ہمہ مذہبی ملک میں رہنے کے اسلامی اصول و ضوابط کیا ہے مطلب ملٹی کلچرل ملٹی ریلیجن نیشن میں
रहने के इस्लामी उसूल और ज़ाबिते क्या है। ये बहुत ज़रूरी है, क्यों? इसलिए कि हम जिस मुल्क में रहते हैं, इस मुल्क में बहुत सारे मज़ाहिब हैं, बहुत सारी तहजीब हैं, बहुत सारे कल्चर हैं, बहुत सारे सोच विचार के लोग हैं, बहुत सारे अकायद रखने वाले लोग हैं, मुख्तलिफ तरह के बिलीव, फेथ, रिलीजन, कल्चर रखने वाले लोग हैं। तो ऐसे मुल्क में रहने के लिए इस्लामी उसूलो जवाबित क्या है वो हमें मालूम होना चाहिए। बाहैसियत एक मुसलमान, बाहैसियत एक मुल्क के बाशिंदा, बाहैसियत एक इंसान, हमें इन बातों का इल्म बहुत जरूरी है। हाजरीन, बातें बहुत सारी हैं, उसूलो जवाबित बहुत हैं और वक्त बहुत मुख्तसर है और इसको खुद में ही भी बयान करना बहुत जरूरी है। तो मैं बहुत शॉर्ट में आपके सामने चंद उसूली बातें रखते हुए जाऊंगा इंशाअल्लाह। अभी मैंने आपके सामने जो आयत पढ़ी है, इससे भी आपके सामने ये बात वाज़े है कि जो लोग अमन चाहते हैं, सुकून से रहना चाहते हैं, हमें भी उनके साथ अमन और सुकून के साथ रहना चाहिए। यहां तक कि जो लोग अमन को दरहम बरहम करने की कोशिश करते हैं, हमें उनके साथ भी अमन के तरीके से रहने की कोशिश करना है। हाजरीन, इस्लाम एक ऐसा मजहब है, इस्लाम एक ऐसा मजहब है, इस्लाम के बानी अल्लाह ताला है और अल्लाह ताला ने हर वक्त के लिए, हर जगह के लिए, हर हालत के लिए, हर एक के लिए इस्लाम को मौजू बनाया, इस्लाम को मुनासिब बनाया, इस्लाम को एकदम परफेक्ट बनाया है। इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, दीन इस्लाम अल्लाह के पास है, पहले से भी अब भी है और कयामत की सुबह तक रहेगा। दीन इस्लाम ही इंसान के हर तरह की परेशानियों का हल है, हर वक्त के लिए मुदावा है, हर परेशानी के लिए इसमें सलूशन मौजूद है, हर एक के लिए इसमें हल मौजूद है। एक ऐसा दीन है जिसमें अदल सिखाया जाता है, इंसाफ सिखाया जाता है, रहम करम का मामला किया जाता है, रवादारी की तालीम दी जाती है। ये अल्लाह का बनाया हुआ मजहब है और अल्लाह सारी कायनात का खालिक को मालिक को पालनहार है। अल्लाह को पता है कौन सा हुक्म कैसे कब कैसे होना चाहिए और वो सारी बातें दीन इस्लाम में मौजूद है। ये इस्लाम ऐसा मजहब है जो वसतियत पर कायम है, एतदाल पर कायम है, इसमें गुलू नहीं है, खुलू नहीं है। और ये मजहब ऐसा है हर एक को अपना हकीकी हक दिलाता है और हर एक के साथ हुस्ने सुलूक की तालीम देता है। तो इस इस्लाम में ये ज़ाबिता भी मौजूद है कि ऐसे मुल्क में रहने के उसूल और ज़ाबिते क्या है। हज़रत निगरानी, सबसे पहली बात ये दिमाग में रखें कि इख्तलाफ ये अल्लाह ताला की फितरत में दाखिल है, फितरत इलाही में, कानून में ये दाखिल है कि इख्तलाफ होगा। जबान का इख्तलाफ, मजहब का इख्तलाफ, रंग नस्ल का इख्तलाफ, सोच विचार का इख्तलाफ और तहजीब और कल्चर का इख्तलाफ, रंग और नस्ल का इख्तलाफ, हर एतबार से इख्तलाफ ये रहेगा और ये अल्लाह ताला की निशानी है। व मिन आयाती ही, अल्लाह ताला की निशानियों में से अहम, खल्क समावाती वल अर्द, आसमानों और जमीन की पैदाइश, वख्तिलाफ अलसिनातिकुम वालवानिकुम, तुम्हारे जबानों के इख्तलाफ, तुम्हारे रंग और नस्ल के इख्तलाफ, कल्चर और तहजीब के इख्तलाफ, ये अल्लाह की निशानियों में से है। इन्ना फी ज़ालिका लआयातिल लिल आलिमीन, इल्म रखने वालों के लिए इसमें निशानियां है, निशानियां है। इख्तलाफ ये रहेगा, अल्लाह ताला ने इसी में खैर रखा है कि पता चले, अंधेरा हो तो रोशनी का पता चलता है, बातिल हो तो हक का पता चलता है, बुराई है तो अच्छाई का पता चलता है। ये जरूरी है कि बातिल का होना बातिल रहेगा, लेकिन उसके साथ हमारा सलूक कैसे होना चाहिए। अल्लाह ने सूरह हूद में फरमाया, वलौ शा रब्बुका लजअलन नास उम्मतन वाहिदा, अल्लाह चाहता तो सारे लोगों को एक ही उम्मत बना देता, लेकिन नहीं, ये अल्लाह ताला नहीं चाह रहा है। वला यज़ालूना मुख्तलिफीन, तुम हमेशा मुख्तलिफ रहोगे। इख्तलाफ
रहेगा। इल्ला मन रहम रब्बुक, मगर जिसको अल्लाह ताला रहम फरमाए। वलिदालिक खलकहुम, और इसीलिए अल्लाह ताला ने इनको पैदा ही किया है। तो जाहिर सी बात है इसी इख्तलाफ में हमको जीना है और इसी इख्तलाफ में हमें रहना है। तो कैसे रहना है आइए मालूम करते हैं। सबसे पहली बात, सबसे पहली बात हमें यह मालूम होना है कि इख्तलाफ ये अल्लाह का कानून है, हमें इसको बर्दाश्त करके चलना है। हर एक हमारे मिजाज और तबीयत के मुताबिक हो जाए होने वाला नहीं है, हर एक आपकी सोच विचार के मुताबिक हो जाए ये होने वाला नहीं है। ये पहली चीज। दूसरी बात, अल्लाह ने कुरान में ये फरमाया लकुम दीनुकुम वलिया दीन, हमारे लिए हमारा बदला, आपके लिए आपका बदला है। दीन के असल माने बदला है। इसका मतलब हरगिज ये नहीं है कि तुम्हारा दीन भी सही हमारा दीन भी सही, नहीं, दीन तो एक ही सही है। अल्लाह का बनाया हुआ निजाम एक ही सही है, इन दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, उसके अलावा दूसरा काबिल कबूल नहीं है। अल्लाह ने मजीद फरमाया वमन यब्तगी गैरल इस्लामी दीनन फलयुक्बला मिन, जो दीन इस्लाम को छोड़ के दूसरा दीन इख्तियार करेगा उससे कबूल नहीं होगा, नहीं होगा। लेकिन वो गुमराही में है, भटके हुए हैं, उनको पता नहीं है, उनको मालूम कराना हमारी जिम्मेदारी है। तो दीन के माने है बदला, तुम जो करोगे तुम पाओगे, मैं जो करूंगा मैं पाऊंगा। हाँ, तुम जिस तरह से इबादत करोगे अगर सही है तो तुम्हें मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा उसका सवाब, हम करेंगे तो हमें मिलेगा। लकुम दीनुकुम वलिया दीन का यही मतलब है, यह नहीं कि तुम्हारा दिन तुम्हारे लिए सही हमारा दिन हमारे लिए सही, नहीं, यह मतलब नहीं है। अलबत्ता दीन इस्लाम में रवादारी है, बर्दाश्त है, टॉलरेंस है, टॉलरेट करके चलो, बर्दाश्त करके चलो। फरमाया ला इकराह फिद दीन, दीन में जबरदस्ती नहीं। क्या मतलब है? दीन में दाखिल करने के लिए जबरदस्ती नहीं। नफर से एक साहब ने आकर कहा, मैं अपने बेटे को कहता हूं कि आओ जबरदस्त इसको नमाज के लिए लाता हूं, बेटे ने फट से ही आयत पढ़ दी, अब्बू जान ला इकराह फिद दीन, दीन में जबरदस्ती नहीं है, यह नहीं है इसका मतलब। हा? दीन में दाखिल करने के सिलसिले में जबरदस्ती नहीं है। किसी को तलवार के नोक पे जबरदस्ती मुसलमान नहीं बनाया जाएगा, क्योंकि दीन इस्लाम का ताल्लुक सरासर दिल से है, ईमान और अकीदे से है, तौहीद से है, यह जबरदस्ती हो ही नहीं सकता है। इस्लाम के घर में पैदा होकर भी, मुसलमान के घराने में पैदा होकर भी मुसलमान नहीं हो सकता है, वो तो जबरदस्ती नहीं है। लेकिन दीन इस्लाम में आ गया हो, अब बाज मामलात में जबरदस्ती है, जबरदस्ती है। जैसे आप किसी कंपनी में ज्वाइन करें या ना करें, जबरदस्ती है नहीं है। आपने ज्वाइन करके असाइन कर दिया, अब उसके रूल्स रेगुलेशन फॉलो कराने के लिए वहां का बॉस है, वहां का मैनेजर आप पे जबरदस्ती कर सकता है कि नहीं? आपने ये क्यों नहीं किया, वो क्यों नहीं किया, तो अल्लाह ताला भी पूछेगा, और आपके जो बड़े हैं सरपरस्त पूछेंगे, आपने ये काम नहीं किया, नमाज नहीं पढ़ी तुमने, ये करो वो करो, तिलावत करो, अस्कार करो, ये जबरदस्ती कर सकते हैं। हाजिर निगरामी, किसी गैर मुस्लिम को इस्लाम में दाखिल जबरन नहीं किया जाएगा। और इस्लामी रवादारी की आप मिसालें देखेंगे, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गजवात में भेजते, जंगों में भेजते हुए भी कहते थे कि देखो तुम जो है किसी गैर मुस्लिम के इबादत गाहों को तुम ढाना नहीं है, किसी गैर मुस्लिम की इबादत गाहों को ढाना नहीं है, और ना ही उनमें जो इबादत कर रहे हैं उनको छेड़ना, उनको परेशान करना है, और ना ही उनके जो मजहबी शाइर है उनसे छेड़खानी करना है, और जो अपने घरों में बैठे हैं उनसे तुम छेड़खानी नहीं करना है। इस्लामी रवादारी की मिसालें बेशुमार है, अभी वक्त ना काफी है, मुझे और भी उसूलो जवाबित आपके सामने रखना है। तो ये दूसरी बात है कि जबरदस्ती नहीं होना चाहिए। तीसरी बात, तीसरा उसूल और जाबिता, ऐसे मल्टी कल्चरल मल्टी रिलीजन मजहब मुल्क में रहने का तीसरा उसूल और साबिता यह है कि अपने आप को और दूसरों को भी पहचानो। सबसे पहले तुम अपने मजहब को पहचानो, अपने मजहब की तालीमात को पहचानो, सही अकीदा क्या है, सही तालीमात क्या है वो पहचानो,
और जहां हम रहते हैं उस मुल्क में रहने वाले मजाहिब के बारे में भी तुम्हें नॉलेज होना चाहिए, इल्म होना चाहिए कि कौन सी चीज की वजह से वो नाराज होते हैं, क्या उनके पास मुकद्दस है, कौन सी चीज उनके सेंटिमेंट को तकलीफ दे सकती है, वो भी तुम्हें इल्म होना चाहिए। हाँ, इल्म होना बहुत जरूरी है मेरे भाइयों। दूसरों की तहजीब, सकाफत और दूसरों के हालात का इल्म हमें होना चाहिए। वरना देखो, आप किसी जगह पर गए हो, वहां पर एक चीज है, कल्चर है, एक तहजीब है, जो कि आपके यहां पर वो मायूब नहीं है, वो बहुत मामूली सी बात है, लेकिन उनके पास वो बहुत मायूब बात है। आप जाकर वहां कुछ करोगे, वो नाराज हो जाएंगे, आपने ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों किया। बहुत सारे इलाके में किसी जगह की बोली है, किसी जगह की गाली है, तो आपको मालूम होना चाहिए कि कौन सी चीज बोली है कहां पर और कौन सी चीज किसी जगह पर गाली की हैसियत रखती है। ये हमें एक दूसरे के कल्चर, एक दूसरे के तहजीब का इल्म होना चाहिए। उनके जो मजहबी तकद्दुसात हैं, जिनकी वजह से वो जिनको मानते हैं और जिनसे वो नाराज हो सकते हैं, इन चीजों का हमें इल्म होना चाहिए। लेकिन हमारा मामला ऐसा है, हमारे घर के पड़ोस में रहते हैं कोई, हमारे घर के पड़ोस में कोई रहते हैं, हमने कभी उनके मजहब, उनके कल्चर, उनकी सोच विचार, उनके अकीदे के बारे में न मालूम किया और ना ही हमने उनको अपने अकीदे के बारे में, कल्चर और तहजीब के बारे में उनको समझाया है, नहीं किया हमने। ये बहुत बड़ी हमारी गलती है। इस्लाम का ये ज़ाबिता है कि उनको भी मालूम कराओ और आप भी उनके ताल्लुक से मालूमात हासिल करो, क्योंकि जहां आप रहते हो, लॉ ऑफ लैंड जिसको कहा जाता है, आपको उसका इल्म होना जरूरी है। जिस लैंड पे आप रहते हो, यहां का क्या कानून है, क्या ज़ाबिते, क्या कुछ है, आपको मालूम होना बहुत जरूरी है मेरे भाइयों। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नफ्सियात का, साइकोलॉजी का ख्याल रखा है। कैसे? सुलह हुदैबिया का मौका है, कुफार और मुशरिकीन आपको उमरा करने से रोक रहे हैं कि नहीं, आप मक्का छोड़ के गए हो, मक्के में दाखिल नहीं हो सकते हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि देखो भाई, हम लड़ने के इरादे से नहीं आए हैं। आप देखो कैसे इंटेलेक्चुअल तरीके से समझा रहे हैं। फिर उसके बाद नबी का जो असल एक तरीका मैं बताना चाहता हूं, नफ्सियात का ख्याल। अरब के लोग कदीम जमाने से उन जानवरों का अदब एहतराम करते थे, आज तक भी वो बात है, कुरान में भी ये बात है कि वो जानवर जो कुर्बानी का जानवर है, जिनके गले में पट्टी डाल दी गई है, ऐसे जानवरों की वो लोग इज्जत करते थे और उनका अदब एहतराम करते थे, उनको छेड़खानी नहीं करते थे। क्या हुआ? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि काम करो, कुर्बानी के जो जानवर है वो आगे करो, कुर्बानी के जानवरों को आगे करो, वो देखें, हो सकता कि कुर्बानी के जानवरों को देखकर कि पट्टी लगी हुई है, लड़ने के लिए नहीं आए हैं, ये जानवर जो अल्लाह के लिए ज़बह होंगे हैं, काबे में पहुंचना है, ये देखकर उनके दिल में रहम करम पैदा हो, क्योंकि वो इन जानवरों का अदब एहतराम करते हैं। अल्लाह अकबर, ये सुन्नत नबवी है मेरे भाइयों। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह काम किया है कि देखो इनको आगे करो ताकि इनका दिल नरम हो, पसेज जाए और वह इजाजत दे दे। आपने उनकी नफ्सियात का ख्याल रखा है, ये जरूरी है मेरे भाइयों। लेकिन हम क्या करते हैं? वो लोग अपने बुतों के नाम से जानवरों को छोड़ दिए हैं और आप जबरदस्ती अगर काट के खा जाओगे, बताओ दुश्मनी नहीं बढ़ेगी और क्या होगी? एक तो शरी एतबार से ऐसे जानवर जो गैरुल्लाह के नाम पर छोड़ा हुआ है वो हराम है आपके लिए खाना, एक तो शरी एतबार से हराम है, दूसरा एक मुरुवत के एतबार से भी, उनके जज्बात के एतबार से उन्होंने छोड़ा है, किसी और की मिल्कियत है, आप कैसे इस्तेमाल कर सकते हो? और तीसरी बात यह है, उनके जज्बात को ठेस पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा? हाँ, आप उन जानवरों को, गरचे वो सामने रोड पे आ ही गया है, सब्र करो, बर्दाश्त करो, उनके साथ आप छेड़खानी और ऐसा सलूक नहीं होना चाहिए कि उनके सेंटिमेंट को धक्का पहुंचे, ठीक है? नहीं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये की तालीम है, आपने ये काम किया है। चौथी बात कि दूसरों के एहसासात को मजरूह नहीं करना चाहिए, दूसरों के एहसासात को, फीलिंग्स को आप मजरूह ना करें, यानी किसी की इंसल्ट करके उसकी इसलाह आप नहीं कर सकते हो,
किसी की इंसल्ट करके उसकी इसलाह नहीं हो सकती, वह और जिद पे आएगा, हठधर्मी पे आ जाएगा। इसलिए आप क्या करो, उसके एहसासात, उनके फीलिंग्स का ख्याल रखो। आप सामने वाले चाहते हो कि ये हमारे मजहब में आ जाए, इनको सही बात पता चल जाए, तो आप उनको इंसल्ट करके फिर उनको आप सही बात की तालीम दो तो नहीं मानेंगे। आप अगर उनके माबूदा ने बातिला को गाली दोगे, उनको चिढ़ाओगे, उनको जो है ऐसे अल्फाज से याद करोगे जिनकी वजह से उनके एहसासात को धक्का पहुंचे, घर से चलो वो कुछ जानवरों की इबादत करते हैं, तो आप उनको चिढ़ाना नहीं है, उनको पता नहीं है भाई, चिढ़ाना नहीं है, बल्कि उनके पास जो मुकद्दस है आप उनकी तौहीन नहीं कर सकते हो। ये अल्लाह का कानून है। अल्लाह ने कुरान में फरमाया, सूरह अनआम आयत नंबर 108 में अल्लाह ने फरमाया, वला तसुब्बुल्लदीन यदउन मिन दूनिल्लाह, तुम उन लोगों को गाली मत दो जिनको ये लोग अल्लाह को छोड़ के इबादत करते हैं, पुकारते हैं, अल्लाह को छोड़ के जिनको पुकारते हैं उनके माबूदा ने बातिला को तुम बुरा भला मत कहो, इंसल्ट नहीं करना उनके माबूदा ने बातिला, जो भी उनके माबूद हैं, जिनकी वो परस्तिश करते हैं, जिनकी वो इबादत करते हैं, जिनको वो मुकद्दस मानते हैं, आपको चाहिए कि आप उनकी इंसल्ट ना करें। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक मौके पर तौरात लाई गई, किसी मामले में फैसले करने के लिए तौरात लाई गई, तौरात को नीचे रखा गया, आपने कहा कि नहीं इसको कुर्सी के ऊपर रखो, कुर्सी के ऊपर रखो, आपने उसको इज्जत दिया, क्यों, कहा कि देखो इसकी इज्जत किया करो, ऐसा नहीं कि इंसल्ट हो, नहीं होना चाहिए। आगे एक वाकया आ रहा, देखो आप इससे बात पता चलती है, तो अल्लाह ने कहा ला तसुब्बुल्लदीन यदउन मिन दूनिल्लाह, अल्लाह को छोड़ के जिनकी इबादत करते उनको गाली मत दो, अगर तुम उनके माबूदा ने बातिला को गाली दोगे, फयसुब्बुल्लाह अदवम बिगैर इल्म, वो अल्लाह को गाली देंगे दुश्मनी में आकर, हर धर्मी में आकर, बगैर इल्म के जहालत में आकर गाली देंगे, तुम्हें तो सही चीज का इल्म है, वो बेचारे तो भटके हुए हैं, लिहाजा तुम उनके माबूदान के इंसल्ट मत किया करो, और उनके जो मजहबी तकद्दुसात हैं हम इंसल्ट नहीं करेंगे। इसका मतलब यह नहीं कि आप भी शामिल हो जाओ, हाँ कॉम्प्रोमाइज नहीं है, लेकिन हम इंसल्ट भी नहीं करेंगे। एक और वाकया सुनने से, बुखारी और मुस्लिम का वाकया है ये, कि मदीने के मार्केट में एक यहूदी के साथ एक मुसलमान का कुछ मामला तय हो रहा था, तो यहूदी ने कसम खाकर कहा, ला वल्लाह लावल्लदी फद्दला मूसा अलल आलमीन, कहा कि उस जात की कसम जिसने मूसा को सारी दुनिया पर फजीलत अता फरमाई है। मुसलमान को गुस्सा आया, उसने तमांचा लगा दिया, कहा मदीने में रहकर नबी की हुकूमत में रहकर हमारे नबी को छोड़ के तो मूसा की बात करता है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ये मामला गया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हकीमाना तरीका देखो, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान की आयत पढ़ी, आपने फरमाया लोगों सुनो, अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया, वनुफिका फिस्सूर फसाइका मन फिस्समावाती वल अर्द इल्ला मन शा अल्लाह, कि कल कयामत के मैदान में, कयामत के रोज सूर में फूंका जाएगा, सारे के सारे लोग बेहोश हो जाएंगे, सबसे पहले अल्लाह ताला मुझे उठाएगा, अल्लाह चंद लोगों को बेहोश होने से बचा लेगा, मैं सबसे पहले होश में आकर देखूंगा मूसा अलैहिस्सलाम अर्श के पैर पकड़कर खड़े हैं, अल्लाह मुझे पता नहीं है कि मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने मेरे से पहले होश में लाया या वो बेहोश हुए ही नहीं। जिन लोगों को इल्ला मन शा, जिनको अल्लाह ताला बेहोशी से बचा लेगा, उनमें से मूसा अलैहिस्सलाम भी है, क्योंकि वो कोहे तूर पे बेहोश हुए थे अल्लाह को देखकर, हां अल्लाह की तजल्ली को देखकर, तो अल्लाह मूसा को बचा ही लिए। मतलब क्या है, मूसा की भी फजीलत है, मूसा का नाम लेने से तुम्हें गुस्सा नहीं आना चाहिए था। फिर कहा कि देखो यूनुस बिन मत्ता, जिनकी वजह से जिनको अल्लाह ताला ने अजाब में मुब्तला किया दुनिया में, मछली के पेट में उनको जाना पड़ा, कहा कि यूसुफ बिन मत्ता पर भी मुझे फजीलत मत दिया करो। अल्लाह अकबर, हाँ ये नबी की शान है, नबी का मुकाम मर्तबा है भाई, दिल में रखा करो, बसाओकात किसी मामला में सामने अगर कुछ कर रहा है तो हमें चाहिए कि उनके उनके तकद्दुसात और उनके एहसासात का हमें ख्याल रखना है, ऐसा ना हो कि उनके एहसासात को मजरूह किया जाए। इस मुसलमान ने उस यहूदी के एहसास को मजरूह किया, अल्लाह के रसूल ने कहा तुमने गलत किया है। हाजरीन पांचवी बात,
मुजादलाए हसना यानी इंटेलेक्चुअल डायलॉग होना चाहिए। हाँ, ऐसा है कि आप इंडिविजुअल बात करो, देखो हर गैर मुस्लिम आपकी बात को इज्जत के साथ सुनेगा। हाँ, लेकिन वो टीवी शो में जाकर, चैनलों में जाकर डिबेट करना, उनके किसी बात का रिएक्ट करना, याद रखो इसमें बड़ा नुकसान हो रहा है। आप कान खोल कर सुनो मेरे भाइयों, आज हमारे इस मुल्क में जो दूसरे गैर मुस्लिमों में से सारे लोग ऐसे नहीं है, कुछ लोग हैं जो खामा खामे एक हुआ खड़ा करके बदनाम करना चाहते, माहौल बिगाड़ना चाहते, एक इशू छेड़ते हैं। अब मुसलमानों में से कुछ लोग उसका जवाब देते हैं, वो जवाब दिए, ये किए, वो किए, उनके एक्शन का रिएक्शन हुआ, फुला हुआ, मामला बर्बाद गड़बड़ हो जाता है, चौपट हो जाता है। आप किसी भी बात का जवाब मत दो, मत दो, रिएक्शन करो ही मत, रिएक्ट बिल्कुल मत किया करो, छोड़ दो, क्योंकि मीडिया बहुत बड़ा फितना है, मीडिया बहुत बड़ा फितना है, इसमें रिएक्शन करके कोई फायदा नहीं होगा। हाँ, इंटेलेक्चुअल तरीके से भली बातों को आप बयान करो, किसी का जवाब देने की जरूरत नहीं है, हर बात का हर वक्त जवाब देना जरूरी नहीं होता है, याद रखो। आपको इंटेलेक्चुअल रहना चाहिए, आप इस्लाम की बातों को बयान करो, इस्लाम की खूबियों को जिक्र किया करो, लेकिन किसी के जवाब देकर ये नहीं, मत किया करो, इसमें बड़ा नुकसान हो रहा है, बड़ा नुकसान हो रहा है। और ऐसे जो अमन और सुकून को दरहम बरहम करना चाहते वो कामयाब हो जा रहे हैं। अल्लाह ताला ने क्या फरमाया है, वमन अहसन कौला मिम्मन दआ इला अल्लाह, अल्लाह की तरफ दावत दे और कहे कि देखो नेक अमल मैं भी करता हूं, मुसलमान को देखना चाहते हो मुझे देख लो। इन्ना नी मिनल मुस्लिमीन, हर मुसलमान का जिस दिन ये रोल हो जाए कि हर मुसलमान ये कह सके मुसलमान को देखना चाहते हो मुझे देखो, उस दिन याद रखो तुम्हारे फेवर में सब लोग आ जाएंगे। आज हमारे अखलाक किरदार क्या है, आज हमारे वजूद का क्या है बोलो, आज हम धरती पर और मुल्क के लिए बोझ हैं। हमने क्या दिया मुल्क को, हम हमारे बाप दादा ने दिया, आप समझेंगे। हाँ, ये हमारे बाप दादा थे, लेकिन तुम क्या हो, वो तुम्हारे आबाव अजदाद थे मगर तुम क्या हो, वो तुम्हारे आबाव अजदाद थे मगर तुम क्या हो, हाथ पर हाथ धरे मुंतजर फरदा हो। हाँ, पिदरम सुल्तान बुद, हमारे बाप दादा सुल्तान थे मगर तुम क्या हो आज, याद रखो मेरे भाइयों, इस मुल्क को तुम देने वाले बनो। अगर तुम्हारे जरिए से इनको फायदा है, तुम्हारे इल्म से, तुम्हारे हुनर से, तुम्हारे इल्म, तुम्हारे वजूद से, तुम्हारे किसी चीज से, ये तुमको सरे हाथों हाथ लेंगे, सर पे बिठाएंगे और तुम्हारी हर बात सुनेंगे, ऐसा नहीं मेरे भाइयों। हर आदमी हर गैर मुस्लिम ऐसा नहीं है, शर्त यह है कि आप इस तरह से बन जाओ, इस तरह से बन जाओ। ऐसा नहीं कि नहीं होने वाला, लोग कहते हैं मुसलमान हैं, टोपी दाढ़ी वाले हैं, हमको नहीं करेंगे, गलत बात ही, आपकी गलत सोच है। आपके अंदर वो क्वालिटी है, वो काबिलियत है, वो सलाहियत है। आप याद रखो कितने टोपी दाढ़ी वालों की उन्होंने बड़ा बड़ा पोस्ट दिया है, क्यों, उनके पास वो सलाहियत और काबिलियत है कि इनके जरिए से हमारा काम हो सकता है। और अगर तुम्हारे जरिए से काम नहीं, फायदा नहीं हो सकता है, तो जाहिर सी बात है तुम्हें क्यों रखेंगे। हाँ, वो तो चाहेंगे कि दूसरों को फायदा दूसरों के जरिए से हो। दूसरों से भी तुम्हारे पास इतना इल्म होना, इतना हुनर होना चाहिए कि वो तुम्हें रखने पर मजबूर हो जाएं। हज़रीन, वो जादिल हम बिल्लती ही अहसन, भले तरीके से इनके साथ बातचीत होनी चाहिए, डायलॉग होनी चाहिए, ना के रिएक्ट का रिएक्ट होना चाहिए, जवाब के जवाब, जैसे के तैसे वाला मामला नहीं है अब कि तुमने ये किया हम तो करेंगे, नहीं, ये गलत बात है। आपको सब्र और तहम्मुल के साथ आगे बढ़ना है। छठा उसूल, गलत फहमियां जन्म लेती है, गलतियां गलत फहमियों से जन्म लेती है, उनको दूर करना हमारी जिम्मेदारी है। आज जिस मुल्क में हम रहते हैं, यहां की अक्सरियत को गलत फहमी है, मीडिया के जरिए, दूसरों के जरिए गलत फहमी बिठाई जा रही है, और कुछ चीजें हकीकत है, वो क्यों, मुसलमानों के अखलाक की वजह से, मुसलमानों की जो डेफिनेशन मैं आमतौर से बोलता हूं, आज के मुसलमानों की डेफिनेशन क्या जानते हैं, SMZ, सुस्ती मस्ती जबरदस्ती, सुस्ती मस्ती जबरदस्ती। हाँ, इनका यह मामला है। अब बैठे बैठे आपको यह चाहिए, बैठे बैठे हमें यह होना, वो होना, अरे भाई पहले आप अपने अंदर सलाहियत पैदा करो, अखलाक और किरदार पैदा करो,
अच्छा आप होना चाहिए कि दूसरों को दूसरे देखकर रहम खाए तरस खाए। आप मुसलमान ऐसे कर रहे हैं, नहीं होना चाहिए इनके साथ। हाँ, ये आपको होना चाहिए लेकिन आपने ऐसा किया नहीं है। गलतफहमियों को दूर करो, गलतफहमी की बुनियाद पर आप गलती मत किया करो। देखिए सुमामा बिन उसाल से बुखारी का वाकिया है, जब तक मुसलमानों के ताल्लुक से गलतफहमी थी मुसलमानों के दुश्मन थे, वो नबी के दुश्मन थे, लेकिन अल्लाह के रसूल का वो कैदी बन गए। नबी ने लाकर उनको मस्जिद नबवी के सुतून से बांधा। गैर मुस्लिम दुश्मन को मस्जिद के अंदर लाकर रखे हैं। हमने कभी गैर मुस्लिमों को मस्जिद के लिए दावत दी है? कभी बुलाया है उनको दावत में? बुलाया है शादी की दावत में? बुलाया है हमने किसी आम प्रोग्राम दावत में? बुलाया है? क्या हक नहीं है उनको? पड़ोसी नहीं है वो, उनको हक नहीं है अल्लाह के घर में आए, विजिट करें, देखें? नहीं किया हमने। याद रखो जो आते हैं इतने मुतासिर होकर जाते हैं, और खास तौर से यहां पर रहने वाले जो दलित लोग हैं ना, इनको बरसों से दबाया गया, कुचला गया, पिसला गया, मारा गया, पीटा गया, आज भी किया जा रहा है। अगर मुसलमान इनके सर पे हाथ रखे वो खुश हो जाते हैं। मुसलमान इतनी बड़ी कौम है, हमको अपने सर पे हाथ रखे, कंधे पे कान का हाथ रख दिए, हमको लोग अनटचेबल कहते हैं, हमको लोग छूतछात सा समझते हैं, और मुसलमान हमारे साथ ये सलूक कर रहे, खुश होकर आएंगे, उनको बुलाओ, लेकर आओ, साथ में बिठाओ, दावत दिया करो, मस्जिद में लाओ। किसने कहा कि गैर मुस्लिमों को मस्जिद में नहीं ला जा सकता है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है कि आप सुमामा को मस्जिद में लाया। फिर देखो सुमामा को जब पता चल गया मुसलमान क्या है, इस्लाम क्या है, इस्लाम कबूल किए नहीं किए, लंबा वाकया कहने के लिए वक्त नहीं है। ऐसे ही हातिम ताई वक्त का बहुत बड़ा सखी था। हातिम ताई का बेटा मुसलमानों का सख्त दुश्मन था, लेकिन जब हातिम ताई को पता चला कि मुसलमानों ने मेरी फूफी के साथ इतना अच्छा सलूक किया, उनका दिल नरम हो गया। हातिम ताई की बहन और आदी बिन हातिम ताई की फूफी मुसलमानों की कैदी बन गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा इनके भाई बड़े सखी और दाता थे, इनको कैदी बनाकर मत रखो, बड़े घराने की खानदान की लड़की औरत है, इनको बाइज्जत बरी कर दो। आदि की फूफी और हातिम की बहन ने जाकर कहा उनके भतीजे से कि भतीजा तुम नबी से मुसलमानों से दुश्मनी रखते हो, वो लोग ऐसे नहीं है, मैंने करीब से देखा लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। कहा क्या अच्छा, चलो हम इस्लाम कबूल करते हैं। आदि बिन हातिम ताई आए, इस्लाम कबूल किया और बड़े खिदमात अंजाम दिए। मैं ये कहना चाहता हूं मेरे मोहतरम दोस्त बुजुर्गों भाइयों कि हमें चाहिए कि गलत फहमियों को दूर करें। गलत फहमी करना भी गलत है, गलत फहमी का मौका देना भी गलत है। पहली बात, हम गलत फहमी का मौका ना दें। गलत फहमी आ गई है उनको दूर करें, जाके डायरेक्ट बात करें। जिन लोगों की पहुंच सीएम पीएम तक है, उन मुसलमानों से मैं कहूंगा कि आप जाकर उनको बताएं सही इस्लाम क्या है। और जिन लोगों की पहुंच जहां तक है, आपको अल्लाह ताला पूछेगा कि आपने उनको बताया कि नहीं कि इस्लाम के बारे में आपको गलत फहमी है, मुसलमानों के बारे में गलत फहमी है, इस्लाम ये है, मुसलमान ये है। जहां जहां पर जिसकी पहुंच है अल्लाह जरूर पूछेगा आपको। आप उनके साथ इंडिविजुअल बात करें, इंडिविजुअल बात करें, गैदरिंग में नहीं मानते। क्यों जानते? पता नहीं या कैसे सोचेगा, शायद मैं मुस्लिम के फेवर में हो गया हूं, किसी को जाके बता देगा। इंडिविजुअल काम करो। नबी ने शुरू में क्या काम किया है? इंडिविजुअल, एक एक को छुप छुप के काम किया। मक्के के हालात को आप दिमाग में रखो, और मक्के में कभी आप जैसे के तैसे वाला मामला नहीं किए, सबर बर्दाश्त और इंडिविजुअल तरीके से आपने काम किया है, लोगों की जहन साजी की, गलतफहमी को दूर किया है, क्या क्या तकलीफें बर्दाश्त की है। शेबे अभी तालीम में 3 साल के कैदोबंद की जिंदगी गुजारे, आज हम पर हालात वो नहीं है। हम बहुत अच्छे, अल्लाह का शुक्र है, हमारे मुल्क में भी बहुत अच्छाइयां हैं। याद रखो मेरे भाइयों, बहुत सारे मुस्लिम मुल्कों से भी, मैं बबांगे दाल ये बात कहता हूं, बहुत सारे मुस्लिम मुल्कों से भी आज हमारा मुल्क लाख दर्जा बेहतर है, लाख दर्जा आजादी हमें देता है। आज भी याद रखो बहुत खैर खूबियां हैं। गलत फहमी में मत आओ, ना गलत फहमी पैदा करो, तुम इंफियरिटी में मत आया जाया करो, और ना ही सुपीरियरिटी में आप आया करो, बल्कि जो उसूल और साबिता है इन पर अमल किया करो। गलत काम ना करो, गलत इकदाम मत किया करो, कानून को हाथ में मत लिया करो, कानून की चारा जोई किया करो, यह सबसे बेहतरीन बात होती है। हाजरीन, आखिरी 2-3 बातें। एक और उसूल यह है कि एहसान सनाशी होनी चाहिए। किसी गैर मुस्लिम ने आपके साथ एहसान किया, याद रखो, और आप भी किसी गैर मुस्लिम के साथ एहसान करते हो वो भी याद रखता है,
चंद दिन पहले एक साहब कह रहे थे कि मैं किसी कंपनी में बड़ा इंजीनियर और मेरे रिकमेंडेशन में एक गैर मुस्लिम को सऊदी में बड़े पोस्ट मिला है, तो वो इतना याद रखा है आते हुए मेरे लिए जाय नमाज खजूर फुला फुला लेकर आके मुझसे कहा कि देखो आपके जरिए से मैं वहां गया हूं। देखो गैर मुस्लिम है, एहसान याद रखते याद रखो, हम मुसलमान हैं कि हजारों खूबियां हैं एहसानात सालों साल एहसान किए, एक गलती की वजह से सारे एहसानात को हम फरामोश कर देते हैं, एक गलती की वजह से बरसों के एहसानात को फरामोश कर देते हैं। नबी ने एहसानात को याद रखा है कैसे, देखो मुतिम बिन आदि जब 3 साल समाजी बायकॉट हुआ था तो उसके बाद मुतिम बिन आदि ने आकर काफिर सरदार कहा कि नहीं मुसलमानों के बायकॉट खत्म करो, नबी ने इस एहसान को याद रखा। जब बदर में 70 कैदी पकड़े गए नबी ने कहा लौका न मुतिम बिन आदि हय्या, अगर मुतिम बिन आदि जिंदा होते वो कल्लमनी फिहा उलाई नतना, इन जो है पलीद गंदे जानी दुश्मनों के बारे में आकर अगर मुतिम बिन आदि कहते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन 70 कैदियों को छोड़ दो, उनकी एक बात पे मैं छोड़ दिया होता, क्योंकि उनके वो एहसान है। लोगों के एहसान को याद रखा करो। नबी ने कैसे याद रखा, देखो एक मुशरिक औरत के मशकेजे से आपने एक सफर में पानी पिया था और जब फतेह मक्का के वक्त में नबी ने कहा उस मुशरिक औरत के कबीले पे हमला नहीं करना, अल्लाह अकबर, आपने ऐसे ऐसे एहसानात को याद रखा है। मुनाफिकीन का सरदार जितने नबी को इतनी तकलीफ दी है, आपके चचा को उसने जब आपके चचा अब्बास इसमें जंगे बदर में कैदी बनकर आए जिसम में कपड़ा नहीं था और वो जाड़े में कपकपी तारी हो रही थी, नबी का दिल दिल मिला रहा था, लेकिन इंसाफ इंसाफ है सबके लिए एक है, दिल में आएगी बात, लेकिन हम सबके लिए क्या छोटा क्या बड़ा क्या अपना क्या पराया कानून कानून सबके लिए एक ही है। याद रखो नबी ने नबी का दिल चाह रहा था कोई आए और मेरे चचा को कपड़ा पहनाए, मेरा दिल दुख रहा, चचा ही तो है ना आखिरकार, इंसान तो आप थे ना, लेकिन आप आगे बढ़ के कर नहीं सकते क्योंकि सबके लिए करना पड़ेगा। आप जिस पोस्ट पे हैं इस पोस्ट के लाज रखने के लिए इंसाफ आपने किया है, लेकिन काफिरों मुनाफिकीन का सरदार अब्दुल्ला बिन उबै बिन सलूल आया और आकर अपनी कमीज उतार के दिया और उसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चचा के साथ एहसान किया। नबी ने इसके एहसान को याद रखा, वफात पा गया, मर गया, कब्र में उतारा गया, नबी ने कहा निकालो कब्र से, कब्र से निकालने के बाद नबी ने अपनी कमीज मुबारक दी, कहा किसको दफन करो इसमें, अल्लाह अकबर। नबी ने कैसे एहसान को याद रखा, मुनाफिकीन का सरदार है, आपको इतनी तकलीफें दी है, आपके हरम में आयशा पर इल्जाम लगाया है, फिर भी आपने उनके साथ एहसान को याद रखा। हल जजाउल एहसान इल्ला एहसान, एहसान फरामोश मत बना करो। आज इस मुल्क में गैरों के बेशुमार एहसानात है, हमारे कितने केस गैर लड़ते हैं, इंसाफ दिलाते हैं, गैर आकर उनको सहारा देते सपोर्ट करते हैं। एक साहब ने चंद दिन पहले कहा कि मेरी बेटी की शादी किसी भाई ने किसी मुसलमान ने मुझे सहारा नहीं दिया, सगे भाइयों ने नहीं, एक गैर जो मेरा कॉलिग था उसने लाखों रुपया मुझे दिया, ये ले जाओ मैं रिटायर्ड हुआ इतना पैसा मुझे मिला, तुम बेटी की शादी कराकर अपनी सहूलत से देना है। मेरे भाइयों खैर बहुत है, अभी भी ऐसा नहीं कि मर चुके हैं, इंसानियत है हमारे इस मुल्क में। याद रखो हमें चाहिए इन बातों को समझें और एहसान के साथ मामला किया करें। हाजरीन इसी तरह से पीस मेकर कमेटी बनना चाहिए। आप हिलफुल फजूल में शामिल हुए, मक्के में आपने पीस मेकर कमेटी बनाई, मदीना आने के बाद आपने मदीने में कमेटी बनाई है, सब मिलकर वतन के लिए अमन के लिए सुकून के लिए कोशिश करना, मुश्तराका नशातात होनी चाहिए, एक्टिविटीज सब मिलकर करना चाहिए, समाजी और मिल्ली मफाद के लिए नेशन के लिए सबको साथ लेकर चलो। नबी ने यहूदियों को साथ में लिया है, कैसी दुश्मनी यहूदियों के, हाँ वक्त की आवाज और पुकार है कि आप यहूदियों के साथ जिस तरह से समझौता किया है किस मामलात में दुनियावी और जो मुल्क के फायदे के लिए, तो आप भी आज दूसरों के साथ मुश्तरा का प्लेटफॉर्म कायम करो, उनको साथ लो और साथ लेकर आगे बढ़ो, तभी जाकर हम कामयाब हो सकते हैं। और वतन के तय अपनी हमदर्दी मोहब्बत का इजहार किया करो। नबी जब तक मक्के में थे, मक्के को टूट के चाहा, हिजरत करके जा रहे थे, मक्के को देखकर टूट के आपने रोया, कहा मक्का
कहा तू मेरे पास सबसे महबूब है। यहाँ के लोगों ने निकाला तो मैं निकल के जा रहा हूँ। मदीना जाकर नबी ने दुआ की, अल्लाह जैसे मक्का हमारे पास महबूब था मदीने को महबूब बना दे। अल्लाह अकबर, वतन से मोहब्बत का इजहार करो। क्या गया है वो आप में मोहब्बत का इजहार करो। पड़ोसी मुल्कों से हमें कोई फायदा नहीं है, हमें यही रहना है, फायदा यही हुई है, यही रहेंगे यही मरेंगे। तो याद रखो आपको इस मुल्क के तय जो है हमदर्द बनना चाहिए, वफादार बनना चाहिए, और ये नबी का तरीका भी है मेरे भाइयों। और जहां हम है इसके कवानीन का हमें इल्म होना चाहिए, जहां है इसके कानून क्या है हमें पता होना चाहिए, ताकि हम गलत कदम ना उठाएं, गलत इकदाम ना किया करें। हज़रत गिरामी, ये चंद मुतफर्रिक बातें थी, बिखरी हुई बातें थी कि हमा मजहबी मुल्क जहां पर बहुत सारे मजाहिब कल्चर हैं वहां पर रहने के इस्लाम के तरीके क्या हैं। इन बातों को मद्देनजर रखें, लाया अमल तैयार करें और सोच विचार के साथ कौम मिल्लत के जो रहबरान हैं और लीडरान हैं उनसे गुजारिश है कि इस सिलसिले में पेशरफ करें, कायम आगे बढ़े, कुछ करें, सोचें, ताकि कल के दिन फायदा हो। दुआ रब्बुल आलमीन से अल्लाह तबरक तआला हमें और आपको इनके सुनी बातों पर अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन।